ये जनाब मदीने की बिल्ली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज फजर का टाइम होने वाला है, जो जुम्मे की रात है, मतलब कि आज जुम्मा है सुबह सुबह। तो मैं अभी फजर के टाइम में यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं, ये रश ही रश है। ये मदीने की गलियाँ हैं और लोग जो है फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए रवाना रवान हैं। पहले ताजुद अदा करेंगे वहाँ पर, उसके बाद हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो मदीने की गलियों का तो हम मैं तो मेरे पास कोई ज़बान ही नहीं तो मैं यहाँ की तारीफ पेश कर सकूँगा आपके सामने। आप खुद देखें मंजर, लोग हर कोई अपनी नमाज के लिए रवान रवान है। वो मीनार है मदीना की, वो देख रहे हैं आकाशासन के रोज़े की तरफ, तो उस तरफ रवान रवान है। वहाँ पर फजर की नमाज अदा करेंगे। खाने से देखिए तो पूरी रात खुली रही जिसमें लोग मौजूद नहीं थे। कहने का मतलब एक सिंपल सा ताला था और कुछ भी नहीं था, और सेफ इतना कि सवाल ही पैदा नहीं होता चोरी वगैरह का। तो ऐसी रियासतें बनती हैं। कसलासम ने यहाँ पर अपनी रियासत कायम की थी, मदीना में पहले इस्लाम की रियासत थी, जिसकी मिसाल आज तक कहीं भी नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए ऐसी रियासत नसीब करे। ये मदीने के मीनार हैं, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। इंशाल्लाह मदीने की और भी चीज़ें मैं आपको ज़्यारत करवाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे सोचा फजर का टाइम था, लोग फजर की नमाज़ के लिए रवा दवा हैं, तो आपके साथ शेयर करूँ मैं। तो ये जनाब मंजर है, ये अंडर पास है जहाँ से गाड़ियाँ पार्किंग के लिए नीचे जाती हैं, तो वहाँ जाके पार्क होती हैं। मैं आपको और भी आगे करीब से दिखाता हूँ कि गाड़ियाँ कहाँ से पार्क होती हैं, कहाँ से निकलती हैं। ये मस्जिद गमामा है, आकाशलासम यहाँ पर जो है ईद की नमाज अदा किया करते थे, जो आज भी कायम है यहाँ पर। ये पार्किंग एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, और यहाँ पर आ गए जनाब, ये पार्किंग एरिया, ये बेसमेंट में बना हुआ है मदीने की। यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, आराम आराम से निकलती हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करूँ, यहाँ पे एक म्यूज़ियम हुआ करता था, तो पहले तो हम जाते रहे, यहाँ फ्री होता था, लेकिन इस बार मैं जब गया तो इंतहाई दुख भी हुआ कि वहाँ पे टिकट लगा दी, 15 रियाल कम से कम टिकट मांग रहे थे। हम नहीं गए, यार हमारे पास फर्ज ज़्यादा थे, नहीं जा सके। ये जनाब मदीने की बिल्ली है। तो भाई म्यूजियम में जो है ना टिकट लगा दी, इसलिए हम नहीं जा सके वहाँ पर। तो आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइज हो रहा है सऊदी अरबिया, तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कोई अफोर्ड नहीं कर पाता 15 रियाल। चलो मैं एक बंदा तो कर देता, और फैमिली के और मेम्बरान थे 5-10, तो सबको अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता। तो खैर अभी हम इंटर होने लगे मस्जिद के अहाते में। ये रहा इनका गेट है, 309 नंबर, हम गेट की तरफ से रवाना दवा है। 309 नंबर वाले गेट से हम इंटर होंगे और नमाज की अदायगी के लिए तैयारियां करेंगे। मैं आपको गेट दिखाता हूँ, ये है जनाब 309, यहाँ से हम इंटर होंगे। अभी रात का अंदर रखा हुआ कसम से हुआ, रोज़ा मुबारक है। मैं आपको दिखा जी रहा दिन की टाइम, इंशाल्लाह किस दिन और भी लोग बुलाएंगे आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो मुझे जी दे दें इजाज़त ताकि फजर का टाइम है, थोड़ा नमाज भी अदा करें। तो आपके लिए सब की दुआ है, सब देखने वालों को अल्लाह ताला यहाँ हाजिर नसीब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।